नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। सबसे पहले कुछ शब्दों में हम आपको बताते हैं पुलवामा में आत्मघाती हमले की कुछ बड़ी बातें। आत्मघाती हमले पर सरकार का गुस्सा नजर आ रहा है। हमले को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने कहा है कि बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दे दी गई है। देश को भरोसा देते हुए पीएम ने कहा है कि दुश्मनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। देश इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अलग थलग करेगा। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। जवानों की शहादत देश के लिए बड़ा सदमा है। केंद्र सरकार ने जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी है। इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और आईजी रैंक के एक अधिकारी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस अटैक को लेकर पाकिस्तान का शर्मनाक बयान भी सामने आया है। कहा है बिना जांच के उनका लिंक पुलवामा हमले से ना जोड़ा जाए। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का अलर्ट 8 फरवरी को ही कर दिया गया था और अब विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा में बड़ी चूक होने की वजह से इतने घातक हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, अब तक का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमले में 40 से ज़्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है। पुलवामा में रहने वाला संदिग्ध महज 21 साल के नौजवान ने इस हमले को अंजाम दे दिया और बेखौफ होकर इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। अब आपको उस आतंकी जैश ए मोहम्मद के बारे में बताते हैं जिसने इस बड़े हमले को अंजाम तो दिया ही, साथ ही बेखौफ होकर इसके जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी उसने ऐसे कितने हमलों को अंजाम दिया है, आइए आपको बताते हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रवक्ता मोहम्मद हसन ने एक बयान जारी कर कहा है कि आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडो ने इस हमले को अंजाम दिया है। वकास कमांडो को पुलवामा जिले का नागरिक बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जो जैश ए मोहम्मद ने ऐसे हमले को अंजाम दिया हो। इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी जैश के प्रमुख मौलाना अजहर दिसंबर 1999 को 180 यात्रियों वाले एक भारतीय विमान को अगवा किए जाने से। दरअसल मौलाना मसूद अजहर को भारतीय अधिकारियों ने 1994 में कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य होने के आरोप में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही मौलाना मसूद अजहर ने फरवरी 2000 में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी और उसके बाद से भारत में कई चरमपंथी हमले को अंजाम देना उनके लिए आसान हो गया। अपनी स्थापना के 2 महीने के अंदर ही जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर में बादामी बाग स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आत्मघाती हमला किया। फिर इस संगठन ने 28 जून 2000 को भी जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर हमला किया। इनका सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 24 सितंबर 2001 में दूसरे चरमपंथियों ने विधानसभा की पुरानी इमारत में आग लगा दी। इस घटना में करीब 38 लोग मारे गए थे। हमले के तुरंत बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अगले ही दिन इससे इनकार कर दिया। जैश ए मोहम्मद पर 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले और जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना ठिकाने पर हमले का भी आरोप लगाया गया है। पठानकोट के पहले भी भारत में हुए कई हमलों के लिए जैश को जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें सबसे बड़ा 2008 में हुआ मुंबई हमला था। बता दें, दिसंबर 2016 में हुए उरी हमले के लिए भी जैश ए मोहम्मद को ही दोषी ठहराया गया था। उरी हमले की आग लोगों के दिलों में बुझी ही थी कि उससे भी बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हो गया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। फिलहाल सबकी नज़रें सरकार की नीति क्या होगी इस पर टिकी है और पूरा देश बदले की राह देख रहा है। इस बड़ी खबर पर पूरी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए मिनट इंडिया।